तारीख 14 फरवरी साल 2019। आज से 5 साल पहले प्यार को समर्पित ये तारीख भारत के लिए काला दिवस के रूप में अंकित हो गई। इस तारीख को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ जवानों की बस को निशाना बनाया और एक कायराना हमला किया, जिस हमले में भारत माँ के 40 जाबाज बेटे शहीद हो गए। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी और इस हमले ने पूरे देश को अंदर से हिला कर रख दिया था। बता दें कि सीआरपीएफ के काफिले में करीब 60 से ज्यादा वाहन शामिल थे और इनमें 2547 जवान मौजूद थे। काफिला जब 14 फरवरी को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचा तो जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पुलवामा जिले में विस्फोटक से भरी कार को जवानों की बस से भिड़ाकर निशाना बनाया। इस जोरदार धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। धमाका इतना तेज था कि बस के भी चीथड़े उड़ गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इस हमले को 5 साल हो चुके हैं। हमारे संवाददाता आज उसी जगह पहुंचे जहां ये हमला हुआ था। देखिए संवाददाता एजाज दार की खास रिपोर्ट। 14 फरवरी 2019 के करीबन 3:15 बजे एक सुसाइड बम्बर एक आतंकी जो है हमला हो जाता है, यानी एक सुसाइड बम्बर एक सीआरपीएफ कॉलोनी से टकरा जाता है और उसमें जो है कम से कम 40 के करीब जो हमारे सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। हम अभी उसी मुकाम पे हैं जिसको लेथापोरा पुलवामा बोला जाता है। ये श्रीनगर जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है और यही वाला शिकार जो है शिकार पर हम अभी खड़े हैं। यहाँ पे ही वो सुसाइड बम्बर और सीआरपीएफ की एक बस से टकराता है, जिस बस में हमारे सीआरपीएफ के जवान जो है सवार होते हैं। हालांकि वो कार में जो है जम्मू से श्रीनगर जा रही थी और इसी मुकाम पे वो सुसाइड बम्बर उस जो है कार में से टकराए जाते हैं, जिसमें हमारे 40 के जवान जो है सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। हालांकि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज की खबर की टीम जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है, स्पॉट पर पहुँच चुकी है। आपको बता दें कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी थी कि वो जो घर आप देख विजुअल्स में देख रहे हैं उनकी छत जो है वो जो है उड़ गए थे। हालांकि उनको रिमूव किया गया लेकिन वो दिन अभी भी उनको याद है। हालांकि आज 5 साल हो गए हैं, आज ही के दिन जो है वो और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे जो लोकल्स आए थे, लोकल्स के साथ साथ जो है आज की खबर की टीम जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सपूतों को जिन्होंने जो है अपना आज दे दिया हमारे कल के लिए। आपको बता दें कि उस वाक्य के बाद जो है हालांकि सिक्योरिटी को टाइट किया गया था, हालांकि जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ है उन पर कदगन लगाया गया था और कदगन लगाया गया, जिससे यही साबित होता है कि किसी भी देश विरोध जो है एक्टिविटी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पूरी जो है जो पूरे जो देशवासी है वो इन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कह रहे हैं कि आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियां जो है जो अनएक्सेप्टेबल है। और हालांकि आपको बता दें कि ये लेथपोरा इलाका जो है जिस इलाके में हम अभी खड़े हैं, इससे पहले भी जो है यहाँ पर कुछ लोग आए थे उनको श्रद्धांजलि। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी ट्वीट करते हुए उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कहा है कि स्ट्रॉन्गली कंडम जो है वो इंसिडेंट किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3:15 के करीब जो है एक ऐसा जो है ब्लास्ट हो जाता है इस इलाके में कि पूरा इलाका जो है लर्ज उठता है और वो ब्लास्ट जो है एक सुसाइड बम्बर यानी एक आतंकवादी जो है जिसकी शिनाख्त आदिल करके हुई थी, जो कि जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन से वाबस्ता बताया जा रहा है। हालांकि उसमें जो है कई सारे ऐसे जो उनको अरेस्ट किया गया है जिनका हाथ जो है इसमें बताया जा रहा है। बाद में NIA द्वारा जो है वो ये केस जो है क्रैक किया गया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कम से कम 7 के करीब जो है उनको अरेस्ट किया जा चुका है जिनका हाथ जो है इस सुसाइड बम्बर इस सुसाइड अटैक में बताया जा रहा है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना और भारत सरकार द्वारा आतंकियों को ललकारते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस करता हूं जो आपके अंदर भड़क रही है। पीएम ने ये भी कहा था कि सभी के आंसुओं का बदला लिया जाएगा और इसके बाद भारत ने जवानों की शहादत का
बदला 12 दिनों के अंदर पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके लिया था। जहां एक ओर देश आज बसंत पंचमी मना रहा है, तो वहीं कई जगहों पर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही, और वहीं कश्मीर में भी आम नागरिकों ने जवानों को श्रद्धांजलि दी और भारत का तिरंगा झंडा लहराया। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।